ज्योतिष विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में और दीपावली पर्व की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले दीपावली पर्व किस समय मनाया जाए, उसका शुभ मुहूर्त कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। शाम को 5:57 से 7:53 तक यानी 1:55 का ये जो समय है ये शुभ मुहूर्त है। इस समय आप दीपावली पूजन जो है, लक्ष्मी जी की जो पूजा है वह कर सकते हैं विधि विधान से, जैसे आप करते आए हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस पर्व से जुड़ी हुई, लक्ष्मी तत्व से जुड़ी हुई मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो वास्तव में जो लक्ष्मी है वो आपके पास कैसे आने वाली है उसका टॉप सीक्रेट आपको पता चल जाएगा। देखिए, बचपन में अगर निबंध के अंदर दीपावली निबंध आता था लिखने के लिए, तो मुझे अभी भी ध्यान है मैं उसके एंड में एक लाइन जरूर लिखता था कि काश दीपावली का यह पर्व, ऐसा दिन रोज हमारी जिंदगी में आए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही खुशियों वाला पर्व है, रोशनी वाला पर्व है। हर इंसान चाहता है कि दीपावली के दिन जो रोशनी होती है वैसी रोशनी उसके जीवन में भी रहे, खुशहाली उसके जीवन में रहे, लक्ष्मी उसके जीवन में रहे। क्योंकि खास तौर पर यह जो पर्व मनाया जाता है यह लक्ष्मी जी के लिए मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजन इस दिन किया जाता है। हर इंसान चाहता है उसके जीवन में पैसा हो, क्योंकि हम जानते हैं पैसे से हर चीज जुड़ी है, पैसे से खुशियां जुड़ी है, पैसों से सुख सुविधाएं जुड़ी है, सब जुड़ी है। पैसों का कनेक्शन यहां पर सीधे सीधे शुक्र देव से है, क्योंकि अगर ईष्ट देव की बात करें तो शुक्र देव जहां पर पांचवें घर में, कुंडली के पांचवें घर में जहां शुक्र देव की राशि आती है तो वहां ईष्ट देव बन जाते हैं लक्ष्मी जी। क्योंकि शुक्र देव सुख सुविधाओं से जुड़े हैं, ग्लैमर से जुड़े हैं, आज की जो भौतिक सुख सुविधाएं उससे जुड़े हैं, और लक्ष्मी जी का वहां पर होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी चीजें उनसे ही प्राप्त की जा सकती है। तो आज मैं आपको कुंडली के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम हमारा लक्ष्मी तत्व जागृत कर सकते हैं, हमारा मान सम्मान जागृत कर सकते हैं, और किस तरह से हम पैसा मनी जो लक्ष्मी है वो अर्जित कर सकते हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में। तो इसके लिए कुंडली के अंदर एक नियम है भवत भवम, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दो पॉइंट में ही आपके बात समझ में आ जाएगी, और उसके बाद कैसे इस दीपावली पर आपके पास लक्ष्मी आएगी तो कैसे आपका जीवन आप पूरा खुशियों से भर सकते हैं उसका टॉप सीक्रेट आपको पता चल जाएगा। तो कुंडली के अंदर अगर मैं लगन की बात करूं तो लगन से दूसरा आपका परिवार है, और सातवें घर की बात करूं जो आपके लाइफ पार्टनर हैं तो लाइफ पार्टनर से दूसरा आपका ससुराल, यानी कि आपकी कुंडली में आपका आठवां घर आपका ससुराल पक्ष है। तो आप इस चीज को देखिए, आठवां घर कुंडली का सबसे बुरा घर है और आठवें घर के अंदर अटकले हैं, परेशानियां हैं, बहुत सी चीजें हैं। आपकी उम्र भी जो देखी जाएगी वो आठवें घर से देखी जाएगी। तो आठवां घर है आपका ससुराल, तो अगर आपके ससुराल पक्ष से अच्छे रिश्ते हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली। और अगर ससुराल पक्ष से रिश्ते अगर उलझ गए, परेशानी क्रिएट हो गई, तो उन लोगों का आप जीवन भी देख सकते हैं कितना परेशानियों से भर जाता है। पूरी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है और वो चलती रहती है, आसानी से उसके जीवन से वो प्रॉब्लम जाने वाली नहीं होती है। यानी कि ससुराल पक्ष से रिश्ते अगर अच्छे हैं तो जीवन बहुत अच्छा, और ससुराल पक्ष अगर रिश्ते एक बार बिगड़ गए तो समझ लीजिए जीवन पूरा ही बिगड़ गया। तो हर घर के अंदर एक रिश्ता छुपा है, उस रिश्ते से अगर हमने अच्छा रिलेशन बना के रखा, उस रिश्ते को अच्छे से संजो के रखा, तो उस घर से रिलेटेड हमें सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण के लिए छठे घर की बात करूं जो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का है, मामा का घर भी वो होता है, तो जिनके जीवन में ये परेशानियां चलती है मामा से उनके रिलेशन आप देखेंगे अच्छे नहीं रहते हैं। अगर मामा से अगर उनके रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ये परेशानी उनके जीवन में आने वाली नहीं है, क्योंकि उस घर के डिपार्टमेंट के मालिक ही एक तरीके से मामा हो गए। मेरी ये बात उन लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगी जो कुंडली टॉपिक को जानते हैं या कुंडली टॉपिक जिन्होंने थोड़ा सा देखा है। बात करते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट घर की, वो है सातवां घर जो आपके जीवन साथी का है।
अगर बात करूं मेरे लिए तो मेरी जीवन संगनी की अगर मैं बात करूंगा तो सातवां घर जो होगा मेरी कुंडली का वो मेरी जीवन संगनी का होगा। सातवें घर के अंदर है डेली वेजेस यानी रोज की इनकम, जो रोज आप इनकम गेन करेंगे वो घर भी सातवां है। और सातवां अगर एक तरीके से देखा जाए तो मान सम्मान का भी है, क्योंकि पैसे से ही मान सम्मान तो जुड़ा है, हम ये चीज जानते हैं। तो हम क्योंकि आज दीपावली के पर्व की बात कर रहे हैं तो हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, और लक्ष्मी जी जो है वो डेली वेजेस से जुड़ी हुई है। और यहां पर एक सीधा कनेक्शन भी है शुक्रदेव से भी, क्योंकि जीवन संगनी जो है वो साक्षात शुक्रदेव ही है। जीवन संगनी को हम अगर ज्योतिष के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो शुक्रदेव की उन्हें उपाधि दी गई है, और शुक्रदेव से जीवन की सारी सुख सुविधाएं जुड़ी है। लक्ष्मी जी का भी कनेक्शन शुक्रदेव से ही है। तो हमारी कुंडली का जो सातवां घर है वो मान सम्मान का हो गया, और सातवां घर हो गया हमारी डेली वेजेस का, रोज की इनकम का। सातवां घर अगर स्ट्रांग है, सातवें घर के मालिक को अगर हम खुश रखते हैं, सातवें घर का मालिक अगर खुश रहता है तो समझ लीजिए डेली वेजेस में कभी कोई कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी आपके पास आती ही रहेगी, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी रिलेटिव के अपने दोस्त के घर आप अकेले जाते हैं तो आपको वहां पर कैसा मान सम्मान मिलता है, और एक आप अपनी लाइफ पार्टनर के साथ जाते हैं, अपनी जीवन संगनी के साथ जाते हैं तो आपको कैसा मान सम्मान मिलता है। एक छोटी सी इस बात से ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मान सम्मान में ही कितना अंतर आ जाता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ पार्टनर को खुश रखा तो लक्ष्मी जी आपके पास हरदम रहेगी, सदैव रहेगी, क्योंकि साक्षात शुक्रदेव आपकी जीवन संगनी है, सातवें घर की मालकिन है। तो रोज की इनकम में आपकी कमी नहीं आने वाली है, मान सम्मान में आपकी कमी नहीं आने वाली है। ऐसा नहीं है कि मन मुटाव नहीं होते, हर घर में मनमुटाव होते हैं। कैसा भी रिश्ता हो कुछ ना कुछ नोकझोंक हस्बैंड वाइफ जीवन संगनी और हस्बैंड वाइफ के अंदर हो ही जाती है, लेकिन उनको हमें ज्यादा लंबे समय तक खींचना नहीं है। उसको बहुत जल्दी पैचअप कीजिए, उस सिचुएशन को बहुत जल्दी अपने विवेक को यूज करते हुए उस समस्या का समाधान कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप समस्या का समाधान करेंगे उतनी जल्दी आपकी डेली वेजेस, आपकी इनकम, आपका पैसा, उसमें जो परेशानियां उत्पन्न होने वाली है वो उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि जीवन संगनी अगर खुश रहेगी तो आपके रोजगार में, आपके पैसों में कभी आपकी तंगी नहीं आने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं होगी, मनमुटाव नहीं होगा, लेकिन जल्दी से अपने विवेक के माध्यम से उस समस्या का समाधान कीजिए। और विवेक स्ट्रांग कैसे करें, क्योंकि समस्या उत्पन्न होती है, हर घर में होती है, हर परिवार में होती है, लेकिन उसको स्ट्रांग कैसे करें, वो शक्ति, वो पावर, वो एनर्जी आपको मिलेगी, वो सोच आपको, वो समझ आपको, वो बुद्धि बल आपको मिलेगा मंत्रों से। तो आप बीज मंत्रों को अपने जीवन से जोड़िए, बीज मंत्र करेंगे तो आपका विवेक जागृत होगा, आपका जो कुंडली चक्र है वो जागृत होगा, आपके चक्र एक्टिवेट होंगे, आपका बुद्धि बल बढ़ेगा, आपकी सोचने समझने की निर्णय लेने की शक्ति जो है वो बढ़ेगी, आपका मन स्थिर रहेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और इन सब चीजों के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से, आप किसी भी समस्या को बहुत जल्दी कंट्रोल में कर पाएंगे। और आप यही सोच लीजिए ना कि मुझे तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, अपने जीवन को अच्छा करने की आवश्यकता है, मुझे सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, क्योंकि आज का जो युग है उसमें सारा जो संसार जो अगर किसी चीज के पीछे भाग रहा है तो वो एक लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहा है। हर इंसान को लग्जरी लाइफ चाहिए, और वो जुड़ी किससे, वो शुक्रदेव से जुड़ी है। शुक्रदेव कौन है, आपकी जीवन संगनी है, तो आपका सातवां घर है, सातवां घर आपकी रोज की इनकम है, आपका सम्मान है। तो आप अगर अपने सातवें घर के मालिक, अपने अपनी जीवन संगनी को खुश रखेंगे तो लक्ष्मी जी तो आपके पास सदैव रहेगी। तो दीपावली पूजन बहुत ही अच्छा पर्व है, लेकिन एक नई सोच के साथ हमें इस दिन की शुरुआत करनी है, और इसको लॉजिकली कुंडली के आधार पर भी समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे ये चीज समझ में आ जाएगी कि जीवन संगनी अगर नाराज रहेगी तो पैसों में हो सकता है कुछ परेशानियां स्टार्ट हो जाए, लक्ष्मी तत्व हमारा कमजोर हो जाएगा। और अगर लक्ष्मी तत्व को कमजोर नहीं करना है, लक्ष्मी तत्व को स्ट्रांग रखना है आपको, तो सिंपल सी बात है, अपने सातवें घर के मालिक को खुश रखिए। तो अगर ये है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, आप सोचते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है या हो सकता है, तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको बिलीव हो ही जाएगा कि वास्तव में ऐसा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक,
जिससे वो भी अपने लक्ष्मी तत्व को स्ट्रांग कर पाए, उनका भी जो जीवन है इस दीपावली से बहुत अच्छा चलने लगे, परेशानियां कम से कम है, क्योंकि रिश्तों में सब कुछ है। रिश्ते जो हैं, हर एक रिश्ता कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव देता है। और आपने ये बात सुनी भी होगी कि बहन और बेटियां जो होती है, बुहाएं जो होती है, उनको अगर हम सम्मान देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम उन्हें कुछ गिफ्ट्स देते हैं, तो ये चीजें आधे दिन काम आती है। क्यों? क्योंकि आप अगर कुंडली में देखेंगे तो इनको जो घर मिले हुए हैं वो ऐसे घर हैं जो परेशानियों वाले घर हैं, और अगर अब ये रिश्ते खुश रहते हैं तो वो परेशानियां हमारे पास नहीं आने वाली है जीवन के अंदर। तो मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ओके, थैंक यू।